नमस्कार दोस्तों, हॉक फिट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता देते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के नेता फिरहाद हाकिम का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। इसमें वो भारतीय जनता पार्टी और देश के अर्धसैनिक बल यानी कि CISF को सुअर बता रहे हैं। जी हाँ, CISF को और भारतीय जनता पार्टी को सुअर बता रहे हैं। ये वीडियो हाल ही का वीडियो लग रहा है और हाकिम कोलकाता के पूर्व मेयर और ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री हैं और ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आपको दिखाऊं, आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा, लेकिन वीडियो में आपसे चाहूंगा कि कॉमेंट में ठोक कर लिखें जय श्री राम, क्योंकि दोस्तों यही वो नारा है जिससे ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा चिढ़ है। और अगर ममता बनर्जी चिढ़ती हैं तो चिढ़ें, क्योंकि हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता और युवा नेता अजय सहरावत जी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर शेयर किया है और इसमें एक रोड शो को संबोधित करते हुए फिरहाद हाकिम को ये क्लियरली कहते हुए सुना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सुअर का बच्चा है। और फिरहाद हाकिम आगे धमकी देते हुए कहते हैं कि यदि बीजेपी ये सुअर का बच्चा मारा आता है तो पहले बीजेपी वालों को मारो। आगे कहते हैं कि कहां जाएंगे आखिर ये बीजेपी वाले, इनको पीटो, सुअर के बच्चों को मारो। इस तरीके की अभद्र भाषा इस देश के संविधान द्वारा चुने गए एक नेता के द्वारा, जो कि कोलकाता जैसे बड़े शहर के पूर्व मेयर और ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री हैं, हालांकि इनका नाम ही फिरहाद हाकिम है, इनसे ज्यादा कुछ उम्मीद तो नहीं करी जा सकती, और वो भी TMC के अव्वल किस्म के गुंडे माने जाते हैं इनके बयान। क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं, क्योंकि इसके पीछे कोई द्वेष की भावना नहीं, पर इसके पीछे मेरे पास बहुत सारा डेटा, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब यही है। और जो आज भारतीय जनता पार्टी को और CISF को सुअर कह रहे हैं, उनको कमेंट में क्या कहना चाहिए आप जानते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मुंह के बजाय सिर के ऊपर मास्क पहनते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने के बाद TMC समर्थक हाकिम को बताते हैं कि जब बीजेपी के लोग उनके इलाके में आए तो उन्होंने उन्हें खदेड़ दिया। आप समझ सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं बंगाल में कितने कैसे माहौल के बीच चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा बंगाल में लेकर आना, मतलब बंगाल में लेकर आना कितना जरूरी है, ये अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इस समय बंगाल के अंदर स्थिति कितनी ज्यादा खराब है कि बंगाल के डेजिग्नेटेड मिनिस्टर्स खुले आम भारतीय जनता पार्टी के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में इस तरीके से गालियां देते हैं, देश के सैनिक बलों को गालियां देते हैं और खुलेआम घूमते रहते हैं। इसीलिए योगी जी ने जब बंगाल गए थे, उन्होंने कहा था 2 मई तक का इंतजार करिए दोस्तों, ये TMC के गुंडे गले में दफ्ती लगाकर दौड़ते हुए नजर आएंगे रोडों पर और अपनी जान की भीख मांगते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अगर आप बंगाल के रहने वाले हैं और आखिरी चरण के चुनाव अब बस होने वाले हैं, आप लोग डट कर वोट कीजिए, आखिरी समय है, क्योंकि इस बार यदि बंगाल में भाजपा नहीं आ पाई तो फिर शायद दोबारा हिंदुओं को वहां पर चैन से जीने का अपॉर्चुनिटी, मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि TMC मंत्री को ये बात कहते हुए साफ सुनाया जा रहा है कि वो CISF रेल पुलिस को लेकर भाजपा वाले आए और एक बार चुनाव खत्म होने दो, तब हमारी CID यानी जो उनकी स्टेट की CID है वो सुअर के बच्चे CISF पर कार्रवाई करेगी। दोस्तों, आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद आप कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। ये वीडियो आपके सामने पेश करते हैं। जब बीजेपी आएगा सुअर का बच्चा को पहले मारो, ये साला आदमी कहाँ जाएगा, पहले मारो साला, हम यहाँ मारो सुअर का बच्चा, बीजेपी को क्यों नहीं करने देगा, माथा उठा दिया गया आदमी, क्या मरेगा साला, अरे मार साला बीजेपी, सुअर और बच्चा हाथ से आगे आई बढ़ा, आगे मार, आगे मार, वो भी अगर इनको तेज जगह से नीचे हम इन लोग को लेके काम करने के लिए हम सब कर दिया था, जानता ही ये साला रेल CISF भैया, रेल पुलिस भैया, हमारा मिस्त्री को भराया, हमको ये इलेक्शन हो जाना थे,
तो दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से बंगाल के अंदर जो परिस्थिति है उसको अब आपको एक जिसे कहते हैं कि एक अंदाजा हो गया होगा, एक लाइव नजारा हमने आपको दिखा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश के अजय सहरावत जी का, जिनके माध्यम से वीडियो हम तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब फिरहाद इस प्रकार के कारणों से चर्चा में आए हों। इनसे पहले हाकिम ने कोलकाता के मुस्लिम बहुल इलाके को मिनी पाकिस्तान तक कह दिया था, और इस साल फरवरी में भी उन्हें एक मस्जिद में एक राजनीतिक भाषण देते हुए सुना गया था, जबकि मॉडल ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन का उसमें साफ तौर से कहा गया है कि वोट हासिल करने के लिए चाहे चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा, इस प्रकार के किसी भी पूजा स्थलों को चुनाव प्रचार के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। उसके बाद भी इन्होंने मस्जिदों से भी भाषण दिए हैं। इसके अलावा हाकिम ने CAA विरोध में भड़के दंगों के दौरान मुस्लिम दंगाइयों को भाई कहकर संबोधित किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि इस प्रकार की हरकत भाजपा को राज्य में लेकर आ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल में किस तरीके का माहौल है, और पश्चिम बंगाल में अब जिस तरीके से चुनाव समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, पर चुनाव में होने वाली हिंसा का जो अंत है वो निकट नहीं दिख रहा। अब पिछले चुनावों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी केंद्र की सरकार है उसने जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेट करके जिस तरीके से अर्धसैनिक बलों की वहाँ पर नियुक्ति करी है, तो पहले के मुकाबले में हिंसा में काफ़ी कमी आई है, लेकिन हिंसा पूरी तरह रुकती हुई नहीं दिखाई दे रही। इस बात से बंगाल के अंदर जो खतरनाक स्थिति है उसका अंदाज़ा आप लोगों को मैं समझता हूँ कि हो रहा होगा। अब हिंसा रोकने के लिए विभिन्न चरणों के मतदान की योजना और पर्याप्त CISF की उपस्थिति का प्रभाव जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, पर राजनीतिक दलों की ओर से हिंसा रोकने के जो प्रयास हैं वो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है अभी ये कहा जा सकता है। अब इसी चुनावी हिंसा में आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रिया साहा के प्रचार काफिले पर 17 अप्रैल को हमला हुआ था। उसके पहले मालदा में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी गोपाल चंद्र साहा पर जानलेवा हमला हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा है, ये आंकड़े हैं तमाम समाचार पत्रों से हमने इकट्ठे करे हैं, जिसमें भाजपा के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने प्रिया साहा को गोली भी मारी थी। ऐसे में विधानसभा चुनाव के भी लगभग हर चरण में हिंसा हुई और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर लगातार हमले होते रहे। पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा यानी कि पॉलिटिकल वायलेंस है उसका दौर काफ़ी पुराना रहा है। 1970 के दशक में हुई राजनीतिक हिंसा में 80 से लेकर 90 तक के दशक की चुनावी हिंसा जोड़ती चली गई और राजनीतिक संस्कृति का लगभग अभिन्न अंग बन गया। यानी कि बंगाल में पहले आप लेफ्ट जो तथाकथित सेकुलरिज्म की बात जो लेफ्ट पार्टियां करती हैं बंगाल के अंदर, उसके बाद TMCI माँ माटी मानुष का नारा लेकर TMCI, लेकिन TMC ने भी वही गुंडागर्दी जारी रखी जो लेफ्ट के दौरान थी, बल्कि यूँ कहें इस तरीके की जो गुंडागर्दी थी बंगाल में शायद कभी लेफ्ट के शासन में भी नहीं रही जैसी आज TMC के शासन में हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दौरान भी ये बुरी हालत नहीं थे जिस तरीके से आप बंगाल के अंदर हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि चुनावी राजनीति का जो तत्व है केवल पश्चिम बंगाल में मिलते थे, अलग अलग राज्यों में भी इस तरीके की स्थिति हुई है, लेकिन बंगाल के अंदर तो एक नज़ारा ही अलग है। हमारे कई जो मित्र हैं रिपोर्टर्स हैं बंगाल के अंदर ग्राउंड सिचुएशन पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन सभी का यही कहना है कि बंगाल के अंदर उनको डर कर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। कई बार अक्सर TMC के गुंडे आकर उनको रोक लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम भाजपा के रिपोर्टर तो नहीं हो। अब एक बात बताइए, मैं भी पत्रकार हूँ, क्या मैं भाजपा का पत्रकार हूँ? यदि मैं मोदी जी का समर्थन करता हूँ तो इसका मतलब मैं भाजपा का पत्रकार हूँ? क्या मुझे भारतीय जनता पार्टी पैसा दे रही है? नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा। मैं इस देश हित में, राष्ट्र हित में पत्रकारिता करता हूँ। मैं कांग्रेस की तरह नहीं है जो इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं खूब पैसा देती हैं, लेकिन एकमात्र पार्टी ऐसी है भारतीय जनता पार्टी जिसके कार्यकर्ताओं को संघ के जो संस्कार हैं कि अपने आप, आपको बता दूं कि RSS के अंदर अगर कोई छोटी सी मीटिंग भी होती है तो उसके लिए 10-10 रुपये लोग मिलाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, 10-10 रुपये लोग मिलाते हैं ताकि चाय और समोसे किसी मीटिंग के लिए लिए जा सकें, क्यों इसके लिए कोई फंडिंग नहीं करी जाती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के साथ मैं समझता हूँ आप लोगों की आंखें खुली होंगी। पूरे देश और समाज के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, विदेशों में जो NRI हमारे रह रहे हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, और मैं चाहूँगा कि हॉकफिट के साथ इस मुहिम में बने रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।